जय हिंद साथियों। तो आइए, आज 25 दिसंबर है, इसको हम लोग क्रिसमस डे की तरह मनाते हैं। और ये क्रिश्चियनिटी में बहुत बड़ा त्यौहार है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में ऐसा माना जाता है कि इसी दिन जो उनके जो ईसा मसीह हैं, उनका जन्मदिन है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एंड इज बोथ अ सेक्रेट सेक्रेट रिलीजियस हॉलीडे एंड वर्ल्ड वाइड कल्चरल एंड कमर्शियल फेनोमेना। ये कल्चरल और कमर्शियल दोनों एक प्रक्रिया है। फॉर 2 मिलेनिया पीपल अराउंड द वर्ल्ड हैव ऑब्जर्विंग इट विद ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस दैट देयर बोथ रिलीजियस एंड सेकुलर इन नेचर। मतलब ये प्रैक्टिस करते हैं, ये रिलीजियस है और सेकुलर अपने प्रकृति में है। क्रिश्चियन सेलिब्रेट क्रिसमस डे एज द एनिवर्सरी ऑफ द बर्थ ऑफ जेसस ऑफ नजरेथ, अ स्पिरिचुअल लीडर हुज टीचिंग फॉर्म द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। ये जो जोसेफ ऑफ नजरेथ हैं, ये स्पिरिचुअल लीडर थे, उन्हीं की जन्म पे मनाया जाता है। और ये ऐसा मानते हैं कि उन्होंने ही इसका फाउंडेशन रखा, इस रिलीजन क्रिश्चियनिटी का। पॉपुलर कस्टम इंक्लूड एक्सचेंजिंग गिफ्ट, डेकोरेटिंग क्रिसमस ट्री, अटेंडिंग चर्च, शेयरिंग मील्स विद फैमिली एंड फ्रेंड, एंड ऑफ कोर्स वेटिंग फॉर संता क्लॉज टू अराइव। इसमें संता क्लॉज का इंतज़ार करते हैं, क्रिसमस ट्री लगाते हैं और बहुत तरह तरह की मतलब गिफ्ट देते हैं और घरों को सजाते हैं, तो ये सारा काम करते हैं। अभी आगे और देखते हैं। दिसंबर 24 क्रिसमस डे हैज़ बीन अ फेडरल हॉलीडे इन यूनाइटेड स्टेट्स सिंस 1870। 1870 से मतलब इसके लिए हॉलीडे रहता है उसमें, यूएस में। तो द मिडिल ऑफ द विंटर हैज़ कब से शुरू हुआ, हाउ डिड क्रिसमस स्टार्ट, तो ये कब से शुरू हुआ इसका देखते हैं। द मिडिल ऑफ विंटर हैज़ लॉन्ग बीन अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन अराउंड द वर्ल्ड, सेंचुरीज बिफोर द अराइवल ऑफ मैन कॉल्ड जीसस। मतलब मिडिल ऑफ विंटर है, मतलब सर्दियों के मध्य में, अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन अराउंड द वर्ल्ड। जानते हैं सर्दी दिसंबर होता है, तो उसी में ये शुरू होता है। और ये अराइवल ऑफ मैन कॉल जीसस और सेंचुरी बिफोर अराइवल, 2000 सेंचुरी, जैसे जो पहले BCE थी, बिफोर क्राइस्ट इरा, और जो जब जीसस का जन्म होता है वहाँ से AC होता है, जैसे ईसवी लिखते हैं आफ्टर क्राइस्ट, तो उनके आने के आने उन्हीं के जन्म पे मनाया जाता है। अर्ली यूरोपियन सेलिब्रेट लाइट एंड बर्थ ऑफ द डार्केस्ट डे ऑफ विंटर। पहले जो थे वो जो यूरोप में पहले जो सेलिब्रेशन था वो लाइट एंड बर्थ ऑफ द डार्केस्ट डे ऑफ द विंटर, जो विंटर का सबसे मतलब अंधेरा वाला दिन रहता था उसमें मनाते थे। मेनी पीपल रिजॉइस ड्यूरिंग द विंटर सोल्स्टिस व्हेन द वर्स्ट ऑफ द विंटर वॉज बिहाइंड देम एंड दे कुड लुक फॉरवर्ड टू लॉन्गर डेज एंड एक्सटेंड आवर ऑफ सनलाइट। इन स्कैंडिनेविया द नॉर्स सेलिब्रेटेड यूलू फ्रॉम दिसंबर 21 द विंटर सोल्स्टिस थ्रू जनवरी इन रिकॉग्निशन ऑफ द रिटर्न ऑफ द सन। फादर एंड सन्स वुड ब्रिंग होम लार्ज लॉग्स व्हिच दे वुड सेट ऑन लाइफ। द पीपल वुड फीस्ट अंटिल द लॉन्ग बर्नड आउट व्हिच कुड टेक एज मेनी एज 12 डेज। द नॉर्स बिलीव दैट ईच स्पार्क फ्रॉम द फायर रिप्रेजेंटेड अ न्यू पिग आर काल्फ दैट वुड बी बॉर्न ड्यूरिंग द कमिंग ईयर। ये यूलू हैं जो इनका सेलिब्रेशन, इन नॉर्थ सेलिब्रेशन यूलू फॉर्म दिसंबर 21 विंटर का शुरू होता है थ्रू जनवरी, और जनवरी तक चलता है। उसके बारे में बताया गया है कि मतलब इसमें कुछ माइथोलॉजी भी यूज किया गया है, आगे भी आएगा, देखते हैं। यह है क्रिसमस ट्री। द एंड ऑफ दिसंबर वाज अ परफेक्ट टाइम फॉर सेलिब्रेशन। जो दिसंबर का इन 25 तारीख, मतलब लास्ट वीक ऑफ दिसंबर होता ही, आप समझ सकते हैं,
तो टाइम सेलिब्रेशन इन मोस्ट एरियाज ऑफ यूरोप, दिसंबर का जो लास्ट वीक होता है उसी में यूरोप में मनाते हैं। एट दैट टाइम ऑफ ईयर मोस्ट कैटल वर स्लॉटेड सो दे वुड नॉट हैव टू बी फेड ड्यूरिंग द विंटर। इसमें है कैटल्स को स्लॉटर मतलब काटा जाता है। फॉर मेनी इट वॉज द ओनली टाइम ऑफ ईयर व्हेन दे हैड अ सप्लाई ऑफ फ्रेश मीट। इट वॉज द ओनली टाइम ऑफ ईयर व्हेन दे हैड अ सप्लाई ऑफ फ्रेश मीट, मतलब ये ऐसा समय रहता है जब मीट की सप्लाई आसानी से करते हैं। इन एडिशन मोस्ट वाइन एंड बियर मेड ड्यूरिंग द ईयर वॉज फाइनली फर्मेंटेड एंड रेडी टू ड्रिंकिंग। और जितना भी साल भर जो बियर्स या और जो बियर बनती है वो इसी समय कंज्यूम की जाती है। इन जर्मनी पीपल ऑनर द पीगन गॉड ओडेन ड्यूरिंग द मिड विंटर हॉलीडे। जर्मन में जो पीगन गॉड ओडेन हैं उनको मिड विंटर में सम्मान दिया जाता है। जर्मन वर टेरिफाइड ऑफ ओडेन एज दे बिलीव ही मेड नॉक्चर्नल फ्लाइट थ्रू द स्काई टू ऑब्जर्व हिज पीपल एंड देन डिसाइड हु वुड प्रॉस्पर आर पेरिस। बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस मैनी पीपल चोज टू स्टे इनसाइड। ये कोई वहाँ के माइथोलॉजी में हैं जिनको मतलब जिससे मतलब लोग डरते हैं और घरों में रहते हैं या उनके सम्मान में घरों में रहते हैं। स्टेर नालिया इन रोम वेयर विंटर वर नॉट एन हैस एज दोज इन द फॉर नॉर्थ स्टोनोलिया अ हॉलीडे इन ऑनर ऑफ सैटर्न। सैटर्न को ऑनर करने के लिए मतलब रोम में लोग मतलब करते हैं द गॉड ऑफ एग्रीकल्चर वॉज सेलिब्रेटेड एज ए मतलब जैसे एग्री खेती से रिलेटेड उनको मानते हैं कि इनके इन इन ये ही खेती को अच्छी खेती में अच्छी पैदावार बढ़ाते हैं। या एक तरह से जैसे इंद्र की पूजा या इंडिया में होती है वर्षा के लिए उसी तरह से उनको मानते हैं। बिगिनिंग इन द वीक लीडिंग अप टू द विंटर्स सोलेस्टिक एंड कंटिन्यूइंग फॉर द फुल मंथ सैटर्निया वॉज अ हेडोनिस्टिक टाइम व्हेन फूड एंड ड्रिंक वर प्लेंटीफुल एंड नॉर्मल रोम सोशल ऑर्डर वर टर्न अपसाइड डाउन। फॉर अ मंथ अनस्लेव्ड पीपल वुड बिकेम मास्टर। फॉर अ मंथ इनस्लेव्ड पीपल वुड बिकेम मास्टर्स। पीजेंस वर इन कमांड ऑफ द सिटी। बिजनेस एंड स्कूल वर क्लोज सो एवरी वन कुड ज्वाइन द फन। एक तरह से जो स्लेव्स होते हैं या अब तो स्लेवरी है नहीं लेकिन जो भी जो समाज के नीचे के तबके के लोग हैं वो भी और जितने भी और अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी सारे मिलके ज़्यादातर बिजनेस और स्कूल या इंस्टीट्यूशन बंद रहते हैं तो वो इसी के उपलक्ष्य में फन करते हैं या गैदरिंग करते हैं। ऑल्सो अराउंड द टाइम ऑफ विंटर सोलेस्टिक रोमन ऑब्जर्व जुवेनेलिया फीस्ट ऑनरिंग द चिल्ड्रेन ऑफ रोम। इन एडिशन मेंबर ऑफ अपर क्लास ऑफन सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ मित्रा द गॉड ऑफ अनकॉन्करेबल सन। ये कोई मित्रा हैं जो मतलब जिनको जीता नहीं जा सकता है। ये अनकॉन्करेबल सन है मतलब एक तरह से सूरज को ही बता रहे हैं यहाँ पे। ऑन दिसंबर 25 इट वॉज बिलीव दैट मित्रा एन इन्फेंट गॉड वॉज बॉर्न ऑफ अ रॉक, मतलब उनका जन्म चट्टान से हुआ था। फॉर सम रोमन में मित्राज बर्थडे वॉज द मोस्ट सेक्रेट डे ऑफ द ईयर, और इनके जन्म को बहुत ही पवित्र दिन माना गया है पूरे वर्ष भर में। इस क्रिसमस रियली द डे जीसस वॉज बॉर्न। अब ये इसके बारे में डिबेट यहाँ पर है कि क्रिसमस क्या रियली है, इसी दिन क्या मतलब उनका जन्म हुआ था जीसस का। इन द अर्ली ईयर ऑफ क्रिश्चियनिटी ईदर वॉज द मेन हॉलीडे द बर्थ ऑफ जीसस वॉज नॉट सेलिब्रेटेड। शुरुआत में इनका इनके जन्म जयंती को एज अ क्रिसमस नहीं मनाते थे। इन द 4th सेंचुरी लगभग में 4थी सदी में चर्च ऑफिशियल डिसाइड टू इंस्टीट्यूट द बर्थ ऑफ जीसस एज अ हॉलीडे। चौथी सदी में चर्च ने ऑफिशियल डिक्लेयर किया कि हम जीसस का बर्थ 25 को मनाएंगे। अनफॉर्चुनेटली द बाइबल डज नॉट मेंशन डेट फॉर हिज बर्थ। फेस प्यूरटन लेटर पेंटेड आउट
इन ऑर्डर टू डिनाई द लेजिटिमेसी ऑफ द सेलिब्रेशन। बाइबल में भी ये लिखा नहीं गया है कि किस दिन जीसस का जन्म हुआ था। ऑल्दो सम एविडेंस सजेस्ट दैट हिज बर्थ मे हैव अकर इन स्प्रिंग, पोप जूलियस आई चोज दिसंबर 25। इट वॉज द कॉमनली बिलीव दैट द चर्च चोज दिस डेट इन द एफर्ट टू अडॉप्ट ऑब्जर्व एंड ट्रेडिशन ऑफ द पैगन सैटर्नलिया फेस्टिवल। जो ऊपर हमने जो ये सैटर्नलिया जो सन को जिसमें पूजते हैं और पूरा मित्रा के जन्म दिवस पर पूरे वर्ष भर में सबसे महान मानते हैं, उसी दिन को ये लोग लगभग लगभग मानते हैं। फर्स्ट कॉल द फीस्ट ऑफ द नेटिविटी द कस्टम स्प्रेड टू इजिप्ट बाई 432 एंड इंग्लैंड बाई द 6th सेंचुरी। और कहते हैं जो रोम से ये क्रिश्चियनिटी निकली ये 432 में, मतलब 432 ईस्वी में इजिप्ट में पहुंची, जो आज का मिस्र है, पहले मिस्र था आज का इजिप्ट है, और 6th सेंचुरी में ब्रिटेन में पहुंची जो यूके यूनाइटेड किंगडम है। बाई होल्डिंग क्रिसमस एट द सेम टाइम एज ट्रेडिशन विंटर सोलस्टिक फेस्टिवल चर्च लीडर इंक्रीज द चांसेस दैट क्रिसमस वुड बी पॉपुलरली एम्ब्रेस बट गेव अप द एबिलिटी टू डिक्टेट हाउ इट वॉज सेलिब्रेटेड। बाई द मिडिल एजेस क्रिश्चियनिटी हैड फॉर द मोस्ट पार्ट रिप्लेस पीगन रिलीजियस ऑन क्रिसमस बिलीव अटेंडेड चर्च देन सेलिब्रेटेड रिकॉस्टली इन अ ड्रंकन कार्निवल लाइक एटमोसफियर सिमिलर टू टूडे मैडी ग्रास। ईच ईयर अ बिगर ऑफ स्टूडेंट ईच ईयर अ बिगर आर अ स्टूडेंट वुड बी क्राउंड द लॉर्ड ऑफ मिसरूल मिसरूल एंड ईगर सेलिब्रेट प्लेड द पार्ट ऑफ हिज सब्जेक्ट। The poor would go to the houses of the rich and demand their best food and drink। इसमें मतलब हर साल क्या करते हैं कि जो स्टूडेंट होते हैं, जो बेगर मतलब भिखारी लोग होते हैं, या और जो नीचे के लोग होते हैं जिनके पास में खाना या और चीज़ें नहीं रहती, वो अमीरों के घर में जाते हैं और उनसे फूड और ड्रिंक की डिमांड करते हैं। इफ़ ओनर फेल टू कंप्लाई देयर विजिटर वुड मोस्ट लाइकली टेररइज देम विद मिसचीफ। और अगर ओनर ने मना कर दिया देने से या फेल हो गया देने में, तो विजिटर क्या करता है, टेरराइज मतलब उसको डराता है, और मिसचीफ मतलब गलत हरकतें उसके साथ करता है, मतलब उसको एक तरह से उससे झगड़ा भी करता होगा या जैसा भी। मिसचीफ में आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जानती होंगे। क्रिसमस बिकेम द टाइम ऑफ ईयर व्हेन द अपर क्लासेस कुड रिपे देयर रियल एंड इमेजिन डेब्ट टू सोसाइटी द इंटरटेनिंग लेस फॉर्चून सिटीजन्स। वही सब चीज़ें हैं। वैन क्रिसमस वॉज कैंसिल्ड, कब कब क्रिसमस कैंसिल हुआ है, तो ये इन द अर्ली 17th सेंचुरी। अ वेव ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म चेंज इन द वे ऑफ क्रिसमस वॉज सेलिब्रेटेड इन यूरोप वैन ओलिवर क्रॉमवेल एंड हिज प्यूरिटन फोर्स टूक ओवर इंग्लैंड इन 1645। दे वोट टू रिड इंग्लैंड एंड डिकेडेंस एंड एज अ पार्ट ऑफ देयर एफर्ट कैंसिल क्रिसमस। 1645 में ओलिवर क्रॉमवेल ने इंग्लैंड को, जो पोरिटन फोर्सेस हैं वो इंग्लैंड को कब्जा करती हैं, और उन्होंने क्रिसमस को मनाना कैंसिल कर दिया। बाई पॉपुलर डिमांड चार्ल्स 2 वॉज रिस्टोर्ड द थ्रोन एंड विद हिम केम टू रिटर्न द पॉपुलर हॉलीडे। और फिर इसके बाद में जब चार्ल्स 2 आते हैं तो वो दोबारा से शुरू करते हैं और इसकी छुट्टी करते हैं। द पिलग्रिम इंग्लिश स्प्रे सेपरेटिस्ट दैट केम टू अमेरिका इन 1620 वर इवन मोर ऑर्थोडॉक्स इन देयर पुरिटन बिलीफ देन क्रॉमवेल। एज अ रिजल्ट क्रिसमस वॉज नॉट अ हॉलीडे इन अर्ली अमेरिका। 1660 या इससे पहले, क्योंकि 1392 और 1398 जब वहाँ से कोलम्बस और ये वास्को डिगामा निकलते हैं, तो जो क्रिस्टोफर कोलंबस है वो अमेरिका पहुंचता है। फिर उसके बाद में वहाँ पे कल्चरल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इनकलकेट करते हैं जो 13 लोकल वहाँ की कॉलोनी थी अमेरिका की। तो वहाँ पे शुरुआत में इसके लिए कोई छुट्टी नहीं थी, बाद में होता है अमेरिका में जो आज का है।
और वास्को डी गामा इंडिया आता है, कोलंबस अमेरिका पहुंच जाता है। पहले पहले जो वेस्ट इंडीज़ है वहाँ पे पहुँचता है, क्योंकि उसको लगता है कि हम इंडिया में पहुँचे हैं। एनी वन एग्जिबिटिंग द क्रिसमस स्पिरिट वॉज फाइंड 5 शिलिंग्स बाई कंट्रेस्ट इन द जेम्स टाउन सेटलमेंट। कैप्टन जॉन स्मिथ रिपोर्टेड दैट क्रिसमस वॉज इंजॉयड बाई आल एंड पास विदाउट इंसिडेंट। आफ्टर द अमेरिकन रिवोल्यूशन इंग्लिश कस्टम फेल आउट ऑफ फेवर इंक्लूडिंग क्रिसमस। इनफैक्ट क्रिसमस वॉज नॉट डिक्लेयर अ फेडरल हॉलीडे अंटिल जून 26, 1870। मतलब इसको एक ऑफिशियल हॉलीडे नहीं माना गया था कब तक, 1870 16 जून तक, इसके पहले, क्योंकि अमेरिका पर भी इंग्लैंड का राज था, तो ये लोग भी मतलब वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब हमेशा उन पे उनका एक्सप्लाइटेशन करते थे। और जैसे इंडिया में 1947 तक इन लोगों ने बहुत सारा अत्याचार किया, तो उसी तरह से जितनी भी कॉलोनी थी, कोई भी कॉलोनाइजर था या मैंडेट था, तो उसको जो अपनी कॉलोनी थी उसको एक तरह से एक्सप्लॉइट ही करना रहता, चाहे फ्रांस हो या स्पेन हो, पोर्चुगल हो या या ब्रिटेन हो, ये सारे अपना कॉलोनी को एक्सप्लॉइट ही करते थे। वो वॉशिंगटन इरविन री इन्वेंट्स क्रिसमस। इट वॉज अंटिल द 19th सेंचुरी ऑफ अमरीका बिगिन टू एम्ब्रेस क्रिसमस। अमरीका री इन्वेंटेड क्रिसमस एंड चेंज इट फ्रॉम अ रिकोस कार्निवल हॉलीडे इन टू अ फैमिली सेंटर्ड डे ऑफ पीस एंड नॉस्टैल्जिया। बट व्हाट अबाउट एटीज पिग्विड अमेरिकन इंटरेस्ट इन अ हॉलीडे। इन अर्ली 19th सेंचुरी वॉज अ पीरियड ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड टर्मोइल। ड्यूरिंग दिस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट वॉज हाई एंड गैंग राइटिंग बाई द डिसचेंटेड क्लासेस ऑफन अकर ड्यूरिंग द क्रिसमस सीजन। इन 1828 द न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल इंस्टीट्यूट द सिटी फर्स्ट पुलिस फोर्स इन रिस्पॉन्स टू द क्रिसमस राइट्स। द कैटलाइज सर्टेन मेंबर ऑफ अपर क्लासेस टू बिगेन द चेंज ऑफ क्रिसमस हुआ सेलिब्रेटेड इन इंडिया। अमेरिका में क्या होता है कि 19th सेंचुरी में कॉन्फ्लिक्ट और टर्मोइल शुरू हो जाता है, क्रिसमस राइट शुरू हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं। इन 1819 बेस्ट सेलिंग ऑथर वॉशिंगटन इरविन रोट द स्केच बुक ऑफ जियोफ्री कैरी ऑन जेंट अ सीरीज ऑफ स्टोरीज अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ क्रिसमस इन एन इंग्लिश ऑनर इंग्लिश मैनर हाउस। द स्केचेस फीचर अ स्क्वायर हु इन्वेंटेड अ पीजेंट इन टू हिज होम फॉर द हॉलीडे। इन कंट्रेस्ट टू द प्रॉब्लम फेस्ड इन अमेरिकन सोसाइटी द टू ग्रुप मिंगल एफर्टलेसली इन इरविन माइंड क्रिसमस शुड बी पीसफुल। जो लेखक हैं इरविंग हैं, ये कह रहे हैं कि क्रिसमस को पीसफुल वार्म हेड हॉलीडे ब्रिंग ग्रुप टुगेदर अक्रॉस लाइन ऑफ वेल्थ और सोशल स्टेटस। जो धन है या जो सोशल स्टेटस है उसको उसमें पीस लाने के लिए इसको ग्रुप में मनाना होगा। इरविंग फिक्सियस सेलिब्रेशन इंजॉय एंशियंट कस्टम इंक्लूडिंग द क्राउनिंग ऑफ लॉर्ड मिसरूल। इरविंग्स बुक हाउ वॉज नॉट बेस्ड ऑन एनी हॉलीडे सेलिब्रेशन ही हैड अटेंडेड। इन फैक्ट मेनी हिस्टोरियंस से दैट इरविन अकाउंट एक्चुअली इन्वेंटेड ट्रेडिशन बाई इम्प्लाइंग दैट द डिस्क्राइब द ट्रू कस्टम ऑफ द सीजन। मतलब इन्होंने एक तरह से क्रिश्चियनिटी में थोड़ा सा अच्छे से इनकलकेट किया सोसाइटी के सभी सेक्शंस को, जो राइट्स हो रहे थे या जो पीस इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही थी उसको टैकल करने के लिए, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। अ क्रिसमस कैरो, क्रिसमस कैरो के बारे में है। और फिर आइए देखते हैं हु इन्वेंटेड सेंता क्लॉज। सेंता क्लॉज को किसने खोजा था, या कैसे ये सेंता क्लॉज का कॉन्सेप्ट कैसे आया। द लेजेंड ऑफ सेंता क्लॉज कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द मॉन्क नेम सेंट निकोलस हु वॉज बॉर्न इन टर्की अराउंड 280s AD। सेंट निकोलस गेव अवे ऑल द इनहेरेंट वेल्थ एंड ट्रेवल द कंट्री साइड हेल्पिंग द पुअर एंड सिक बिकमिंग नोन एज द प्रोटेक्टर ऑफ चिल्ड्रेन एंड सेलर्स। सेंट निकोलस 280 में टर्की में इनका जन्म होता है, 280 ईस्वी में, और ये जो पुअर जो गरीब होते हैं या बीमार लोग होते हैं उनको हेल्प करते हैं। इनको प्रोटेक्टर ऑफ सेलर और चिल्ड्रेन माना गया, कि जो लोग जो निस्सहाय हैं या जो बच्चे हैं उनको सेंट निकोलस बहुत ही, ये इनकी इमेज है, देख सकते हैं आप सेंट निकोलस की, वो इनकी हेल्प करते हैं। सेंट निकोलस फर्स्ट इंटर्ड अमेरिका पॉपुलर कल्चर इन लेट 18th सेंचुरी इन द न्यूयॉर्क
व्हेन डच फैमिलीज गेदर टू ऑनर द एनिवर्सरी ऑफ डेथ ऑफ सेंट निकोलस, सिंटर क्लास फॉर शॉर्ट। और फिर इनको सेंट निकोलस को शॉर्ट में कहने के लिए, जो 18 सेंचुरी में जब इनका बर्थ एनिवर्सरी अमेरिका में मनाया जाने लगा, तो वहाँ पर फिर इनको शॉर्ट में कहने के लिए सेंटर क्लास कहने लगे, और फिर उसी को सेंटर क्लास का सेंता क्लास हो गया। ड्रॉन हिज नेम फॉर दिस ऑब्जर्वेशन, अब्रिविएशन मतलब शॉर्ट में कहने के लिए, बहुत छोटे में कहने के लिए, ये सेंट निकोलस हैं जिनको संता क्लॉज कहा गया। बाद में इन 1822 एपिस्कोपल मिनिस्टर क्लेमेंट क्लर्क मोरी रोट अ क्रिसमस पोएम कॉल्ड एन अकाउंट ऑफ अ विजिट फ्रॉम सेंट निकोलस, मोर पॉपुलरली नोन टूडे इट फर्स्ट लाइन, ट्वास द नाइट बिफोर क्रिसमस। द पोएम डिपिक्टेड संता क्लॉज एज अ जॉली मैन हु फ्लाइज फ्रॉम होम टू होम ऑन अ स्लेड ड्रिवेन एंड रीइंडियर टू डिलीवर टॉयज। और मतलब इसमें ही, ये पोएम में ये बताया गया है कि संता क्या होते हैं, घर से एक घर से दूसरे घर में जाते हैं, और उनको बच्चों को टॉयज मतलब खिलौने ले जाते हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। द आइकॉनिक वर्जन ऑफ द संता क्लॉज एज अ जॉली मैन इन रेड विद वाइट बियर्ड एंड अ सैक ऑफ टॉयज एंड इमोरलटाइज इन 1880s। जो हम देखते हैं संता की इमेज की, सफ़ेद दाढ़ी होगी और लाल कपड़े में और खिलौनों का थैला लिए हुए आते हैं, तो ये वाला डिपिक्शन 1881 में हुआ, व्हेन पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट थॉमस नॉस्ट ड्रू ऑन मूरे पोएम टू क्रिएट एन इमेज ऑफ ओल्ड सेंट निक वी नो टूडे। जब जो थॉमस नॉस्ट हैं, इन्होंने, ये पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट थे, इन्होंने जब इनका इमेज बनाया, तो वहाँ से फिर सेंटा क्लॉज का शुरू हुआ। क्रिसमस फैक्ट, यहाँ पे कुछ क्रिसमस फैक्ट हैं, और क्रिसमस फैक्ट देख लेते हैं। ईच ईयर 13 to 35 मिलियन रियल क्रिसमस ट्री आर सोल्ड इन द यूनाइटेड स्टेट अलोन। देयर आर अबाउट 21,000 क्रिसमस ट्री ग्रोन इन द यूनाइटेड स्टेट, एंड ट्री यूजुअली ग्रो फास्ट अबाउट 15 ईयर बिफोर दे आर सोल्ड। ये क्रिसमस ट्री के बारे में यहाँ फैक्ट है। इन द मिडिल एज क्रिसमस सेलिब्रेशन वर राउडी एंड रॉकस, अ लिटिल अलॉट लाइक मॉडी ग्रास पार्टीज। वेन क्रिसमस वॉज कैंसिल फ्रॉम 1659 to 1681, द सेलिब्रेशन ऑफ क्रिसमस वॉज आउटलॉड इन बोस्टन, एंड लॉ ब्रेकर वर फाइन 5 शिलिंग्स। 1659 से लेकर 1681 तक बंद रहा। क्रिसमस वॉज डिक्लेयर्ड एज अ फेडरल हॉलीडे इन यूनाइटेड स्टेट ऑन जून 26, 1870। 26 जून 1970 को डिक्लेयर किया गया कि इसको एज अ 25 को हॉलीडे मनाएंगे ऑफिशियल। और ये जितने भी वहाँ पर फेडरल हैं, मतलब जो अमेरिका है, उसके झंडे पर ही 13 जो खड़ी खड़ी जो हॉरिजेंटल लाइनें हैं, 13 लाल और सफ़ेद, और जो कोने पर 50 स्टार हैं, वो 50 स्टार 50 राज्यों को डिपिक्ट करते हैं, और 13 जो लाइनें हैं, वो 13 जो अर्लियर 13 कॉलोनी थी जो यूके की, उसको डिपिक्ट करते हैं। तो जो 50 स्टार हैं, वो फेडरल अमेरिका में 50 स्टेट हैं, तो उसको 50वें स्टेट में मतलब ये लागू हो गया था। यहाँ पे ये फेडरल मीन्स मतलब जो जितने भी वहाँ के 50 राज्य हैं। द फर्स्ट इनगोन मेड इन यूनाइटेड स्टेट वॉज कंज्यूम इन कैप्टन जॉन स्मिथ 1607 जॉन्स्टन सेटलमेंट। फिर है पेनसेटिया प्लांट आर नेम्ड आफ्टर जोल आर पॉइंसेट, एन अमेरिकन मिनिस्टर टू मैक्सिको हु ब्रॉड द रेड एंड ग्रीन प्लांट फ्रॉम मैक्सिको टू अमेरिका इन 1828। द सेल्वेशन आर्मी हैज़ बीन सेंडिंग सेंटा क्लॉज क्लैड डोनेशन कलेक्टर इन टू द स्ट्रीट सिंस 1819। रूडोल्फ द मोस्ट फेमस रीइंडियर ऑफ ऑल वॉज द प्रोडक्ट ऑफ रॉबर्ट एल मेज इमेजिनेशन इन 1939। द कॉपी राइट राइटर हु अ पोएम अबाउट द रीइंडियर टू हेल्प ल्योर कस्टमर इन टू द मैंटोगोमरी वार्ड डिपार्टमेंट स्टोर। ये सारा उसी से फैक्ट रिलेटेड है। कंस्ट्रक्शन वर्कर स्टार्टेड द रॉकफेलर सेंटर क्रिसमस ट्री ट्रेडिशन इन 1935 31। हिस्ट्री ऑफ क्रिसमस ट्री, और
ये देख सकते हैं, ये एक चर्च का, वहाँ पे ये लोग कुछ पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ क्रिसमस कैरलो, ओरिजिन ऑफ क्रिसमस। द होलीडे ऑफ क्रिसमस ट्री गोज बैक टू सिम्बोलिक यूज ऑफ एवरग्रीन इन एंशियंट इजिप्ट एंड रोम एंड कंटिन्यू विद द जर्मन ट्रेडिशन ऑफ कैंडलिट जर्मन क्रिसमस ट्री फर्स्ट ब्रॉट टू अमरीका इन 80s। पहले जो इजिप्ट और रोम था वहाँ पे ट्री का दूसरा कॉन्सेप्ट था, सिंबल में यूज करते थे एवरग्रीन्स, लेकिन ये जो कैंडलिट क्रिसमस ट्री है ये पहली बार आया अमेरिका में 80s में। डिस्कवर द हिस्ट्री ऑफ क्रिसमस ट्री फ्रॉम द इट्स प्यूरिटन रूट टू कंप्लेंट्स ऑफ रैम्पेंट कमर्शलाइजेशन कमर्शलिज्म। चार्ली ब्राउन आस्क ल्यूसी इन अ चार्ली ब्राउन क्रिसमस रियल इस्टेट। क्रिसमस इन अमेरिका हैज़ बीन फिल्ड विद ट्रेडिशन ओल्ड एंड न्यू, सम डेट बैक टू 16th सेंचुरी। जर्मन जर्मनी आर इवन एंशियन, 16th सेंचुरी से इसका कंसेप्ट आता है। ये संता क्लॉज हैं। संता क्लॉज के बारे में हमने ऊपर देखा ही, और इसमें भी यही बता रहे हैं कि संता क्लॉज मतलब सफ़ेद दाढ़ी में और लाल कपड़ों में और टॉयज के साथ में आते हैं। हाउ क्रिसमस वॉज सेलिब्रेटेड इन 13 कॉलोनीज। ये 13 कॉलोनी जो यूएसए की यूएस में थी, यूनाइटेड किंगडम की, उसके बारे में बता रहे हैं कि वहाँ पे कैसे सेलिब्रेशन होता है। तो 19th सेंचुरी से वहाँ भी मतलब शुरुआत होता है। इन द प्री इंडस्ट्रियल प्री रिवोल्यूशनरी वॉर इरा पीपल लिविंग इन द ओरिजिनल 13। क्रिसमस हिस्ट्री फैक्ट एंड ट्रिविया। लॉन्ग बिफोर देर वॉज अ ग्रिंच हु स्टोल क्रिसमस, देर वॉज क्रम्पस द डिविलिस हाफ मैन हाफ गॉड दैट हेल्प और जॉली सेंट निकोलस बाई सफरिंग नॉटी ऑस्ट्रेलियन चिल्ड्रेन इन सैक एंड ड्रैगिंग देम टू हेल। यस द ट्रू हिस्ट्री ऑफ क्रिसमस इज एज कलरफुल। यहाँ पे दिखा रहे कि ऑस्ट्रेलिया का कोई एक छोटा बच्चा होता है तो उसको कुछ खिलौने चाहिए होते हैं तो संता उनको देते हैं, और भी कुछ मिथ हैं। क्रिसमस ट्रेडिशन वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड देख सकते हैं। तो क्रिसमस वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है क्योंकि ज़्यादातर जो आज की कॉमनवेल्थ कंट्री हैं वहाँ भी ज़्यादातर ब्रिटेन की ही कॉलोनी रही हैं, तो ये वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है। मतलब वाई द क्रिसमस सेलिब्रेशन ऑन दिसंबर 25। दिसंबर 25 को ही क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? मोस्ट क्रिश्चियन टुडे प्रोबेबली कैन नॉट इमेजिन क्रिसमस ऑन एनी अदर डे देन दिसंबर 25, बट इट वॉज नॉट ऑलवेज दैट वे। इन फैक्ट फॉर द फर्स्ट 3 सेंचुरी ऑफ क्रिश्चियनिटी एग्जिस्टेंस जीसस क्राइस्ट बर्थ वॉज नॉट सेलिब्रेटेड एट ऑल द रिलीजन मोस्ट सिग्निफिकेंट हॉलीडे। पहले जो पहली 3री सेंचुरी तक था इसको नहीं मनाते थे क्योंकि जो पहले हम लोगों ने देखा उसी की वजह से। फिर व्हेन मैसाचुसेट्स बैन क्रिसमस, फिर यहाँ पर भी बैन होता है। द पायस पर्टियन हु सेल फ्रॉम इंग्लैंड इन 1630 टू फाउंड द मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी ब्रॉट विद देम समथिंग दैट माइट सीम सरप्राइजिंग फॉर अ ग्रुप डिवोट क्रिश्चियन कंटेम्प्ट फॉर क्रिश्चियन क्रिसमस। मतलब जब इंग्लैंड को ऑक्यूपाई करते हैं तो वहाँ पे रोक लगा देते हैं, फिर बाद में वो जो चार्ल्स आते हैं वो दोबारा शुरू करते हैं। तो इसी के साथ में ये यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आइए हम देखते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने देखा। ये क्रिसमस के बारे में शुरू में, फिर हाउ डिड क्रिसमस स्टार्ट इसके बारे में देखा, फिर सैटर्निलिया देखा, ये इसका जो एंशियंट पार्ट था वो इज क्रिसमस रियली द डे जीसस वॉज बॉर्न।
इसके बारे में देखा, व्हेन क्रिसमस वॉज कैंसिल, जब कब कब कैंसिल हुआ उसके बारे में देखा। और ये अभी की इमेज है जब कोरोना वायरस फैला है और ब्रिटेन में देख सकते हैं नया स्ट्रेन आ गया है, तो उसकी वजह से भी वहाँ अच्छे तरह से एक फुल प्लेस जो क्रिसमस मनाते थे वैसा नहीं मना पाएंगे, तो उसके बारे में ये यहाँ पे लगा है मास्क वाला ट्री। फिर वॉशिंगटन इरविंग री इन्वेंटेड क्रिसमस, वॉशिंगटन में किस तरह से नए तरह से क्रिसमस को इन्वेंट किया गया। अ क्रिसमस कैलो कैरोल, हु इन्वेंटेड सेंटा क्लॉज, सेंटा क्लॉज जो सेंट निकोलस थे उन्हीं के जो बाद में नाम शॉर्ट कर एब्रिविएशन में किया गया उसके बारे में। क्रिसमस फैक्ट यहाँ पर देखा हम लोगों ने, ये क्रिसमस ट्री रखा है और ये चर्च का नज़ारा है, और ये एक पिक्चर डिपिक्ट करती है बर्थ जीसस क्राइस्ट की, ओरिजिन ऑफ क्रिसमस, और फिर यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ क्रिसमस ट्री, और ये सांता क्लॉज, और ये 13 कॉलोनी की फोटो, और क्रिसमस ट्रेडिशन वर्ल्ड वाइड, वाई वाज क्रिसमस सेलिब्रेटेड ऑन दिसंबर 25, इसके बारे में देखा, और ये जब बैन हुआ था तब के बारे में, और इसी के साथ में ये यहाँ पे ख़त्म होता है। इसी के साथ जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।